नहीं लग रही, फोन हम ही रुकते हैं। थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं आपसे। हमारी जो इनकी रिपोर्ट्स हैं वो इनसे ज़्यादा बेटर है, आगे ऐसे फॉलो करें। टॉपिक्स चूज करना ना सर, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे जो नहीं अवेयरनेस और आज जैसे वो होना चाहिए ना, आज पता क्या इस प्रेजेंटेशन में इसलिए मैंने डाला था पीएचडी वाले या दूसरे नैक वाले एनएसएस वाले जो, अब एनएसएस वालों ने पता नहीं वो खोल के देखा भी होगा कि नहीं, जो कल रात को शेयर किया था मैंने, शायद उसमें लिखा भी होगा। चलो हमारा काम तो आसान है। एक्सटेंशन एक्टिविटीज में रखते हैं हम, अगली बार इसमें एनएसएस वालों को भी दे देंगे करवाएंगे। तो जैसे इस तरह का इंटरेस्ट देने वाला पैकेज कोई भी डिपार्टमेंट करवा सकते हैं या एनएसएस का ही थोड़ा सा? नहीं, कोई भी करा सकता है, इंटरेस्ट लेने वाला मैटर है। अगर कोई लेगा इसमें हमें मेनली क्या करना है, जैसे एक्सटेंशन एक्टिविटीज में कि किस तरह के उन्होंने डिस्कस किया, हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने ये मैं आज शेयर कर दूंगा, मैंने उसमें डाला जैसे बेस्ट वैसे उनका एस डी कॉलेज चंडीगढ़, एस डी कॉलेज चंडीगढ़ की जो वो देख के एक्सटेंशन एक्टिविटीज और जी दोनों ए प्लस है, वो भी ए प्लस है, वो भी तो उसमें से जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है उसमें करा लूँ और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन तो इस बार जैसे बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है, जो मैंने वो करवाया था वो मेरी ईमेल पर बने, तो वो वही अपलोड करने हैं। उसके बाद देखो अवार्ड्स रिकॉग्निशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन एक्टिविटीज फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, तो उसके लिए हम अवार्ड्स रिसीव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे जो एस डी एम लेवल से हमें मतलब आता है कि ये करवाओ करवाओ, अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से उनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं एनएसएस वाले, उनको ऑब्वियसली हम अवार्ड दे देंगे। जो ये 15 अगस्त पे और उस पर मिलता है उन्होंने तो एक सर्टिफिकेट देना, लेकिन हमारी इसमें काम कर देगा तो वो हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ जो अगला पॉइंट है 3.4.3 वो ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। नंबर ऑफ एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन टू एनएसएस एनसीसी रेड क्रॉस और वाईआरसी इंक्लूडिंग द प्रोग्राम्स सच एज स्वच्छ भारत, एड्स अवेयरनेस, जेंडर इश्यूज एंड आल्सो दोस ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री कम्युनिटी एंड एनजीओ। तो इसमें हमें मतलब इंडस्ट्री के साथ या ज्यादा कम्युनिटी मेरे हिसाब से पंचायत आ गई, पंचायत के साथ या एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके कराया तो उसके साथ करते तो मैं एनएसएस में उसी के साथ, बस उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हमने इसके साथ हमारा काम तो वैसे भी एकदम क्राइटेरिया पर्सन मतलब इंडिविजुअल आगे होता है बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। ये आपने ये आपने उनसे लेना है, आपने कराना है, आपने उनसे लेना है और आपने उनकी मेंटरिंग करनी है कि ये हो सकता है। मेरी कोशिश ये थी कि इस सेमिनार में मतलब उनको इन्वॉल्व कर लूँ, लेकिन उनको नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। हाँ सर, एक अब हमारा कोई इतना कोई सीरियस नहीं थी ना, तो क्या करेंगे? एक ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे क्राइटेरियाज कुछ इवेंट्स हम साल के स्टार्टिंग में दे दें कि ये वाले टॉपिक्स उसके उसके लिए देखो मेरे जैसे आप क्राइटेरिया उसमें हो थ्री में हो मैंने आप हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमने वो कर लिया क्या बोलते हैं समझ लिया कि हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम एक रिटर्न में मीटिंग कर सकते हैं इन प्रिंसिपल ऑफिस विद एनएसएस और ये वाली सारी कमिटी को, उसमें हम एजेंडा रख देंगे फॉर नेक्स्ट, ठीक है, फॉर गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो हमारा तो काम हम तो उनसे कलेक्ट करना या फिर उनको एडवाइस करना है आपकी कमिटी का। उसके बाद है तो उनको ये बताना। दूसरा इसमें ना जैसे मैं शेयर कर दूंगा, वैसे ये आपको शेयर कर रखी है एनएसएस, दोबारा कर दूंगा आज, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो उसमें
जब इसमें आप अगर आपको लिंक मिल जाएगा, अगर लिंक इसमें अभी नेट नहीं चला तो लिंक मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हो उसने क्या करता है। उन्होंने एक्सेल बना के अपलोड कर रखी है, मान लो हमने उन्होंने एनजीओ के साथ 35 एक्टिविटीज की हैं, तो वो ना उस फॉर्मेट में जाती है एक्सेल में, उस एक्सेल में लिंक्स हैं, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाली है वो तो जो मैंने अभी दिखाई थी ओपन करके वो तो रिपोर्ट है सिंपल, लेकिन ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज अगर वो उसमें मेट्रिक उसमें लेना है तो एक्सेल में मांगा, तो उन्होंने एक्सेल में वो उसके फर्दर लिंक्स दे रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एमओयूज कोलैबोरेशन लिंकेजेस फ्रॉम फैकल्टी एक्सचेंज स्टूडेंट एक्सचेंज इंटर्नशिप फील्ड ट्रिप, तो हमें ये मतलब जो इसमें जो दिखाया गया है हमें एमओयूज इंडस्ट्री के साथ साइन करा, ठीक है। इसमें जैसे हमारे कॉलेज में मेरे को शाम को जो आइडिया आ रहा था कि हम जिन बड़े डीलर से हम परचेज कर रहे हैं, सपोज हम फिजिक्स के इक्विपमेंट्स परचेज किए, केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स परचेज किए, या फिर कॉलेज का हम जो भी सामान खरीद रहे हैं हम उनको ऑब्वियसली ऑर्डर्स दे रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो हम उनको एमओयू साइन कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे, फिर वो उनके सर्टिफिकेट्स भी दे देंगे कि हमने ट्रेनिंग, तो वो जिनसे हम परचेज कर रहे हैं या फिर उसके अलावा भी जो दूसरी हैं उनके साथ प्रयास कर रहे हैं। तो जो मैंने इनका देखा है ना जी एम एन कॉलेज का, क्योंकि मैं अम्बाला में पढ़ा हूँ और अम्बाला में रहा भी हूँ, तो इन्होंने जो उसमें अपलोड कर रखी है वो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हम अम्बाला का एक साइंटिफिक वो है सिटी, उसमें साइंस की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम की कोलैबोरेशन उन्हीं के साथ होगी जिनसे ही परचेज करते हैं इक्विपमेंट। दूसरा इनके पास यू जी सी की ग्रांट आती है, बहुत ग्रांट आती है यू जी सी की, इनके पास 1 करोड़ रुपये की ग्रांट आती है, तो जिन इंडस्ट्री से सर्विसेज ले रहे हैं उनसे परचेज कर रहे हैं, उनके साथ ये कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के वो फिर वहाँ से हफ्ते की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। दूसरा जैसे आप ये मान लो आप अब एम कॉम शुरू करो, ठीक है, तो एम कॉम में मान लो कोई फॉर्म है चंडीगढ़ में पंचकुला में, तो वो टैक्सेशन से डील करती है, तो आपको ट्रेनिंग वो सारा इसमें आती है, सारा इसमें आ जाएगा। दूसरा जैसे बी कॉम या एम कॉम में हमारे लिंक्स हैं किसी के साथ, जो कोई फर्म है ठीक है रजिस्टर्ड फर्म है, उसको हम हफ्ते की ट्रेनिंग दे देंगे, टैक्स कैलकुलेशन भी है उस पर, ताकि बस वो उसमें सर्टिफिकेट बन जाएंगे, वो सारे सर्टिफिकेट इसी हिसाब से सिंपल सिंपल इन्होंने अपलोड किया। तो ये जो था ना मैंने इसीलिए कहा था कि मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि मैक्सिमम स्टाफ आ जाए जो फ्री है या फिर जो पी एच डी वाले हैं, क्योंकि ये सारा एक म्यूचुअल डिस्कशन है विद द प्रिंसिपल, वो इको सिस्टम डेवलप करना, ठीक है, तो वो इस हिसाब से रहेगा। उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स तो कॉलेज वाले ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें जैसे जो इन्होंने डाटा अपलोड किया हुआ है ना, हाँ जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज है लास्ट 5 ईयर की वो अपलोड हो रही है। इसमें जो नॉर्मल जो इनकी एक्टिविटीज है ना, कोई भी एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म की है, मैंने 2 कॉलेजेस की स्टडी किया, उन्होंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है जो आउटसाइड कॉलेज के बाहर है, जैसे फील्ड ट्रिप एकेडमिक हो गया, सही है, वहाँ हमने केमिस्ट्री में कोई इंडस्ट्री बनाई हमने उसको विजिट करा दिया। जैसे एक सिंपल बताता हूँ, केमिस्ट्री में हमारे पास हम पढ़ाते हैं NMR होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक IR टेक्निक पढ़ते हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में NMR है, KUK में है, तो हम उनको अगर मेरे हिसाब से अगर NMR दिखा रहे हैं कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है IR, वो अकेडमी की हो गया, तो वो सारे फील्ड जो उसमें करके उसमें करना पड़ेगा। इसमें जो मेजर जो वो आता है ना फिर वो फंड्स का जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे पर्सन भी होना चाहिए, हम डिस्कस कर सकते हैं ये एक्टिविटीज फील्ड एक्टिविटीज कराने के लिए ना, राधा कृष्ण फंड और उससे कोई भी आप करा सकते हैं, राधा कृष्ण फंड AFC, तो वो अगर हमें मान लो चेयर सेंशन करते हैं हमें बजट मिलता है तो हम कराएँ, जो ग्रोफी वाले ले जाएंगे हम ले जाएंगे 5-7 बच्चों को ले जाएंगे, वहाँ से वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे, वो सारा कुछ इन्होंने अपलोड किया होगा। और इतना कोई बड़ा अपलोड नहीं किया होगा, बिकॉज कॉलेज लेवल पे आप बड़ा काम क्या करोगे, अगर आप इनके वो पेजेस पर देखोगे तो वो उसी तरह का जो हम बता रहे हैं,
कि मान लो हमने NMR विजिट करा दिया छोटा सा, कोई इंडस्ट्री विजिट करा दी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा, मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ठीक है, तो यमुनानगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ये लकड़ियाँ सप्लाई करते हैं ठीक है, ज्योग्राफी वालों ने वही विजिट करा दिया कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो फील्ड ट्रिप हो गया उनका कि फॉरेस्ट से थोड़ा बहुत वो लकड़ी कैसे ले जाते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो ये सारा इसमें आ जाएगा जब आप इसके जो सैंपल देखोगे वो बड़े ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा शायद खत्म करते हैं 3.5 में, उसके बाद 4 शुरू होते हैं। इसमें तो मेनली आपको करवाना है तो मैं तो 3 लेक्चर ले रहा हूँ अभी, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि पॉइंट वाइज कि हम एक बार गो थ्रू, उसके बाद मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम है इंटरनेट की कि मैं फटाफट खोल के नहीं दिखा सकता, नहीं तो ये लिंक्स हैं ये क्लिक होकर दिख जाना चाहिए, तो उसमें पता लगे। अगली बार मैंने वो मंगवाई है वायर, अगर इसमें कनेक्ट होगी ना तो मैं लैपटॉप में सेव करके लाऊँ, वो डाउनलोड करके सेव करके लाऊँगा फोल्डर से, तो उसमें दिखा दूँगा कि इस पॉइंट में कौन से वाला वो उन्होंने क्या किया, वही थोड़ा सा और वो हो जाएगा, वो मेरा सेकंड वो उसमें रहेगा। लेकिन बस ये होगा कि आपको ये देखना कि पॉइंट देख बेटा एक बार कि 3.2 वाला कौन सा है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें खोलना एक टाइम पे वो डिफिकल्ट होता है, और ये 5 पॉइंट है। हाँ पहले तो मैंने प्रिंट आउट लेके 3.2 पॉइंट्स आप बोलते रहो, मैं इसमें से वो अपने लैपटॉप में से वो दिखाता रहूँगा कि एस जी कॉलेज ने ये किया और उसने ये किया, फिर जो हमें ठीक लगता है वो कर लेंगे, क्योंकि आपने तो ये कुछ करना नहीं, ये तो कॉलेज ने कोलैबोरेटिव करना है एमएसएस वर्ल्ड में, वो जितना करेंगे हम तो उतना अपलोड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, थैंक यू।